हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम अध्याय चार की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 18 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यदि एक्स वाई तथा जेड शून्यतर वास्तविक संख्याएं हैं तो आव्यूह ए बराबर, और देखिए हमको यहाँ पर एक विकर्ण आव्यूह दी हुई है 3x3 कोटि की, का व्युत्क्रम होगा। और यहाँ पर हमको चार विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए सबसे पहले तो ए हमारे पास 3x3 कोटि का आव्यूह है और हमको व्युत्क्रम निकालना है, अर्थात ए इनवर्स हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें सारणिक ए का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि अगर सारणिक ए नॉन जीरो आएगा तभी मैं बोल सकता हूं कि उसका व्युत्क्रम अस्तित्व में आएगा। तो चलिए सारणिक का मान निकालते हैं, एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड। तो देखिए जब मैं हल करूंगा तो प्रथम पंक्ति के अनुसार इसको विस्तार करता हूं तो अपने पास आ जाएगा x, y, 0, 0, z। तो देखिए ये आ जाएगा x, y और z का गुणा करूंगा तो yz, माइनस 0 का 0 से गुणा करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो ये x, y, z आ गया। अब हमको x, y, z 0 तो थी नहीं, तो x, y, z मुझे ये भी पता लग गया कि ये 0 के बराबर नहीं आया, अर्थात a इनवर्स अपना पास एग्जिस्ट करेगा, या मैं बोल सकता हूं a इनवर्स का अस्तित्व होगा। चलिए अब मैंने ये पता कर लिया तो अब मैं एडजॉइंट ए निकालूंगा, क्योंकि ए इनवर्स के परिभाषा में एडजॉइंट ए आएगा, और एडजॉइंट ए को निकालने के लिए मैं सभी अवयवों के सेकंड को भी निकालूंगा। तो चलिए हम ए वन वन को निकालेंगे, ए वन टू को निकालेंगे, ए वन थ्री को निकालेंगे, ए टू वन को निकालेंगे, ए टू टू को निकालेंगे, ए टू थ्री को निकालेंगे, इसी तरीके से ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री को भी निकालेंगे। तो चलिए ए वन वन को निकालते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक की घात एक प्लस एक। अब मैं पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दूंगा, तो देखिए अपने पास बचेगा वाई जीरो जीरो जेड, और यदि मैं हल करूंगा तो मेरे पास वाई जेड आ गया। इसी तरीके से अब मैं ए वन टू निकालूंगा तो माइनस एक की घात एक प्लस दो। अब मैं पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटा देता हूं तो मेरे पास बचेगा जीरो 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 जेड, और देखिए ये भी जीरो हो जाएगा गुणा करने पर और ये भी जीरो, तो हल करने पर जीरो ही आ जाएगा। अब मैं ए वन थ्री निकालता हूं तो माइनस एक की घात एक प्लस तीन आ गया। अब मैं पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटा देता हूं, चलिए पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हम हटाते हैं तो अपने पास बचेगा जीरो वाई जीरो जीरो, और जब आप हल करेंगे तो आपको जीरो मिल रहा है। ए टू वन की बारी है तो माइनस एक की घात दो प्लस एक। अब मैं दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा रहा हूं तो मेरे को मिलेगा जीरो 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 जेड। चलिए इसको हल करते हैं तो देखो जीरो गुणा जेड जीरो आएगा और जीरो गुणा जीरो भी जीरो ही आएगा, अर्थात जीरो माइनस जीरो अंत में सब कुछ जीरो ही आ जाएगा। चलिए ए टू टू निकालेंगे तो माइनस एक की घात दो प्लस दो। अब मैं दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटा रहा हूं तो आप देखिए आपके पास अवयव बचेंगे एक्स जीरो जीरो जेड, और जब आप इसे हल करेंगे तो आपके पास ये देखिए ये तो पॉजिटिव है और ये एक्स जेड माइनस जीरो अर्थात एक्स जेड बचा है। अब ए टू थ्री को निकालते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एक की घात दो प्लस तीन। अब मैं दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटा रहा हूं तो आपके पास अवयव बचेंगे एक्स जीरो जीरो जीरो, और जब आप हल करेंगे तो देख सकते हैं आप एक्स का जीरो से गुणा करूंगा तो जीरो, और जीरो में से ये वाले जीरो घटाऊंगा तो जीरो ही आ जाएगा। अब बात आती है ए थ्री वन को निकालने के लिए तो माइनस एक की घात तीन प्लस एक। तो यहां से आप देखिए आपके पास क्या बचेगा तीसरे स्तंभ सॉरी तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाकर, तो तीसरी पंक्ति हटाई और पहला स्तंभ हटाऊंगा तो आपके पास बचेगा जीरो जीरो वाई जीरो, और जब आप हल करेंगे तो आपको ये जीरो मिल जाएगा। चलिए अब हम ए थ्री टू निकालते हैं तो माइनस एक की घात तीन प्लस दो आ जाएगा, और अब मैं तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा रहा हूं तो आप देखिए तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ मैंने हटा दिया तो अपने पास अवयव बचेंगे x जीरो जीरो जीरो, और जब मैं इसको हल करूंगा तो देखिए x का जीरो से गुणा करूंगा तो जीरो, और जीरो का जीरो से गुणा करूंगा तो ये जीरो आ जाएगा। अब a थ्री थ्री की बारी है तो माइनस एक की घात तीन प्लस तीन हो जाएगा। अब देखिए तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को मैं हटाऊंगा तो आप देखिए तीसरी पंक्ति मैंने हटा दी और तीसरा स्तंभ हटा दिया तो अपने पास अवयव बचेंगे x जीरो जीरो वाई, तो चलिए लिख देते हैं
अब इसको यदि हम हल करेंगे तो देखिए अपने पास एक्स वाई माइनस जीरो अर्थात एक्स वाई आ जाएगा। तो यहां से अभी तक मैंने सभी अवयवों के सेकंड निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम एडजॉइंट ए बहुत आसानी से लिख सकते हैं और अब मैं उनके अवयव स्तंभ वाइज लिखता हूं। तो चलिए पहले स्तंभ के अवयव आ जाएंगे वाई जेड जीरो जीरो, दूसरे स्तंभ के अवयव आ जाएंगे जीरो एक्स जेड जीरो लिख देते हैं, और तीसरे स्तंभ के अवयव आ जाएंगे जीरो जीरो एक्स वाई। तो ये भी मैंने यहां पर लिख दिए। तो देखिए यहां पर मैंने ए का सेकंड अवयव अर्थात एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब चूंकि मुझे तो ए इनवर्स निकालना था अर्थात ए का व्युत्क्रम अवयव, तो देखिए आपने एक परिभाषा में पढ़ा था एक बटे साढ़े ए गुणा अंश में एडजॉइंट ए वाला अवयव लिख दूंगा। तो देखिए एक बटे साढ़े ए का मान आप देख लीजिएगा, आप निकाल चुके हैं यहां पर एक्स वाई जेड के बराबर आया है। तो चलिए लग देते हैं, अब मैं एडजॉइंट ए लिख देता हूं वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड जीरो 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 एक्स वाई। तो देखिए ये मैंने लिख दिया। अब आप यहां पर ये देखिए कि एक्स वाई जेड से आप सभी पदों में भाग दे सकते हैं, तो आप यदि सभी पदों में भाग देंगे अंदर ले जाकर तो आपके पास आ जाएगा वाई जेड बटे एक्स वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड बटे एक्स वाई जेड जीरो 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 एक्स वाई बटे एक्स वाई जेड। ये ए इनवर्स ही चल रहा है, ध्यान रखें। अब आप देखिए यहां वाई जेड कैंसिल आउट हो गया, यहां एक्स जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास बचेगा ए का व्युत्क्रम अर्थात ए इनवर्स बराबर एक बटे एक्स जीरो 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 एक बटे वाई जीरो 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 एक बटे जेड। तो देखिए ए इनवर्स मैंने लिख दिया। अब आप इसको सरल करके देखिए क्या लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एक बटे एक्स बराबर एक्स इनवर्स होता है क्योंकि आपने ये कक्षा नौ में पढ़ा था। तो अब देखिए ये अपने पास क्या हो जाएगा ए इनवर्स अर्थात ए का व्युत्क्रम अवयव बराबर एक्स इनवर्स जीरो 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 वाई इनवर्स जीरो 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 जेड इनवर्स। तो ये अपना ए इनवर्स अर्थात ए का व्युत्क्रम अवयव का फाइनल आंसर हो गया। अब चूंकि हमें विकल्प चुनना था तो देखिए अपने पास कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। यहां से देख सकते हैं हमारे पास विकल्प संख्या ए सही है। तो इस तरीके से मैंने ये प्रश्न संख्या 18 हल कर दिया।